आज की स्टोरी के अंदर एंड में जाकर जो ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा वो यकीनन आपकी समझ से परे होगा। आप उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम आप मेरे लिए कर दीजिएगा, और वो अनबिलीवेबल काम है इस लाइक बटन को दबाने का। मुझे सच में बिलीव नहीं होगा कि आपने उसे दबाया है, तो आप मुझे वो विश्वास दिला दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी थोड़ा बहुत विश्वास अपना जताएं, शक तो करके देखिए उसके ऊपर, यकीन मानिए वो आपके शक के ऊपर खरा उतरेगा। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें नॉर्थ मैसेडोनिया के कसेवो शहर के अंदर जाना पड़ेगा, और दिन था 7 मई 2008 का। इसी कसेवा शहर के अंदर 65 साल की जिवाना टेलमकोस्का नाम की महिला अपने घर के अंदर अपने छोटे मोटे काम कर रही थी। अब उसने घड़ी की तरफ देखा जैसे ही, तो शाम के तकरीबन 4:45 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। वो तुरंत भाग कर अपने किचन में गई, वहां अपना जाकर नाश्ता वगैरह बनाने लगी। असल में कसेवा शहर कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत ही रिमोट भी है। दूर दूर तक अगर आप जाएंगे तो आपको कोई बड़ा शहर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत बड़े बड़े शहरों से कट चुका है लिटरली। बट इसी छोटे से शहर में रहते हुए लोग एक दूसरे को सभी जानते, और जिवाना भी इसी शहर के लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करके जैसे जैसे अपनी जिंदगी निकाल रही थी। बट 7 मई 2008 के दिन उसने छुट्टी ले रखी थी, वो फ्री थी, बट वो साथ ही अपने बेटे जोरोन के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था अपने बेटे को कि शाम के नाश्ते से पहले अपने घर पर वापस आ जाना। लेकिन अभी तक 4:45 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, अभी तक भी उसका बेटा जोरोन घर वापस नहीं आया। बट उसको लग रहा था कि जल्दी वो वापस आता होगा, इसलिए वो पहले से ही नाश्ता वगैरह रेडी करके रख ले। वो तुरंत भागकर किचन में गई, वहां जाकर अपना काम करने लगी। ये सभी काम करते करते ही उसको ड्राइंग हॉल में रखे हुए फोन की घंटी सुनाई दी, और जैसे वो फोन बजा, जवाना अपना सारा काम वहीं छोड़कर उस फोन को उठाने के लिए गई। फोन को उठाते ही उसने हेलो बोला, और दूसरी तरफ उसकी एक दोस्त उसको अब एक खबर देने वाली थी। और जैसे उसने वो खबर दी, बहुत ही दबी हुई आवाज में, बहुत ही डरी हुई आवाज में, उसने जस्ट जवाना को कहा कि क्या तुमने अभी अभी न्यूज देखी, शहर के अंदर क्या हुआ है। जवाना ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट बताओ तो क्या हुआ है आखिर। उसकी दोस्त ने बताया कि अभी अभी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट के अंदर ये खबर आई है कि तुम्हारा बेटा जोरोन वो भी इस एक्सीडेंट के अंदर शामिल है। जैसी ये चीज जिवाना ने सुनी, वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने तुरंत फोन को रखा, तुरंत भागकर अपने टीवी पर गई, टीवी ऑन किया, और टीवी पर वो न्यूज चलाने लगी, लोकल न्यूज चैनल, और उसके अंदर देखने लगी कि हाँ, दो गाड़ियों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट इस शहर के अंदर हुआ है, और इसके अंदर ऑब्वियसली कैजुअल्टी भी हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई मारा भी गया है। उसने टीवी को जस्ट वहीं पर छोड़ा, तुरंत घर से भागकर बाहर की तरफ गई, चिल्लाते चिल्लाते। बट जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, रोते रोते वो घर से बाहर गई। साइड में खड़ा हुआ पड़ोसी, उसने देखा कि जवाना रोते हुए घर से बाहर जा रही है। उसने आवाज लगाई कि जवाना, क्या सब कुछ ठीक है, तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो। बट जवाना इस टाइम पर बहुत ज्यादा जल्दी में थी, उसने कहा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल में हो, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो चुका हो, बट मुझे अभी जाना है। ये बातें उसने भागते भागते अपने पड़ोसी से कही, और वो सीधा रोड से होते हुए मेन रोड की तरफ निकल गई। जवाना के पास खुद की कोई कार नहीं थी, कुछ ज्यादा अमीर भी नहीं थी वो, इसलिए उसके पास खुद की कोई कार नहीं। वो भागते भागते ही लिटरली उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर गई, बट वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। वो आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में भी ट्राई करने लगी कि क्या किसी हॉस्पिटल के अंदर एक्सीडेंट का कोई मरीज आया है, या फिर हाल ही में कोई नया मरीज भर्ती हुआ हो जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और उसका नाम जोरोन हो। इसके कुछ ही देर बाद वही पड़ोसी जिसको जाते जाते जवाना वो सब बोल कर गई थी, उसी के दरवाजे पर एकदम से खटखटाहट की आवाज सुनाई दी उसे। उसने अपना मेन दरवाजा खोला, और सामने जो वो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर वो नेबर, वो पड़ोसी बहुत ज्यादा हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि जोरोन खड़ा था। जी हाँ, जवाना का लड़का। उसको देखकर सामने वो आदमी बहुत ज्यादा ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गया कि अभी अभी इसकी माँ थोड़ी देर पहले इसको ढूंढते हुए एक्सीडेंट स्पॉट पर गई थी, मुझे बताकर गई थी। बट इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जोरोन सामने से बोल पड़ा कि क्या आपने मेरी माँ को देखा है, क्योंकि घर के दरवाजे खुले पड़े हैं और अभी अभी हम कुछ ही देर बाद वो मिलने वाले थे, कुछ खाना वाना खाने वाले थे, बट जैसे ही मैं घर पर आया, घर को इस हालत में देखकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, क्या आपको पता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। उस पड़ोसी ने जोरोन को रोका कि रुको रुको, शांति रखो, अभी अभी तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी थोड़ी देर पहले, और वो बोल कर गई थी कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो तुम्हें ही ढूंढने के लिए गई है। बट जैसे ये बात जोरोन ने सुनी, जोरोन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, सर जी आप मुझे देखिए, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ना ही मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो सीधा अपने दोस्त के घर से यहाँ पर आया हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए, बट मुझे तो नहीं पता कोई भी एक्सीडेंट हुआ है। बट ये चीज सुनते ही ऑब्वियसली जोरोन वहां से बाहर निकला, अपने घर में गया, अपने घर के लैंडलाइन
हेल्पलाइन से पास ही के हॉस्पिटल में फोन करके पूछने लगा कि क्या उसकी माँ वहां पर आई है। बट हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि पहली बात तो तुम्हारी माँ हमारे पास अभी तक तो नहीं आई, आएगी तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे, और दूसरी बात बेशक हमने भी ये एक्सीडेंट वाली खबर सुनी है बट अभी तक हमारे पास कोई भी एक्सीडेंट का मरीज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ है। जोरोन ने उस 7 मई की पूरी रात आसपास के सभी घरों के अंदर पूछताछ करी कि क्या उसकी माँ को किसी ने देखा है, बट सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने मना कर दिया कि किसी को भी उसकी माँ जवाना के बारे में नहीं पता। जोरोन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, अब उसके पास कोई और इलाज ही नहीं था कि वो करे तो करे क्या। उसने थोड़ी देर और वेट करी और आधी रात के आसपास वो सीधा वहां के पुलिस स्टेशन में गया, वहां जाकर अपनी माँ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। बट मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी अगले दिन पूरा दिन पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में जांच करी बट उनमें से किसी को भी जवाना के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे जवाना इस दुनिया से लिटरली गायब हो चुकी हो। बट 9 दिन बीत चुके थे, 9 दिनों बाद यानी कि 16 मई 2008 के दिन वहीं के एक लोकल न्यूज रिपोर्टर व्लाडो टेनिस्की के पास एक कॉल आई और वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से थी। उस पुलिस वाले ने जैसे ही कॉल की व्लाडो ने फोन उठाया और उस पुलिस वाले ने व्लाडो को कहा कि मुझे तुमको एक खबर देनी है। अब जैसी ये चीज उस रिपोर्टर ने सुनी उसने कहा कि हाँ जी जनाब बताइए क्या खबर है, हम तो खबर के लिए पागल ही रहते हैं। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि देखो तुम्हें याद होगा कि 9 दिनों पहले जवाना नाम की एक महिला हमारे शहर से गायब हुई थी बट अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी और आज हमें उसकी खबर मिली है, और ना सिर्फ खबर मिली है बल्कि जवाना भी हमें मिल चुकी है बट वो अब जिंदा नहीं है, उसकी लाश हमें मिली है। जैसे ये चीज व्लाडो ने सुनी व्लाडो बहुत ज्यादा हैरान, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा शहर और व्लाडो बहुत अच्छे से जवाना को जानता था, उसके घर के पास ही उसका घर था तो ऑब्वियसली पड़ोसी तो एक दूसरे को जानेंगे ही। जैसे ये चीज व्लाडो ने सुनी व्लाडो के कान खड़े हो गए कि जनाब आप मुझे पूरी डिटेल बताइए कि जवाना के साथ क्या हुआ। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि देखो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि हमें उसकी लाश बहुत ही बदतर हालातों में मिली है। उसके सिर पर पीछे से काफी भारी भारी चीजों से वार किए गए हैं, उसका गला घोटा गया है और उसकी लाश को सड़क के किनारे शहर से आउटर इलाके में डंप किया गया है। व्लाडो ने पुलिस वालों से कहा कि जनाब हो सकता है किसी ने उस रात जवाना के साथ लूटमारी करने की कोशिश करी हो और उस लूटमारी के चक्कर में अपने बचाव करते हुए जवाना की लड़ाई उन लुटेरों के साथ हो गई होगी और उन्होंने ही जवाना को मार डाला। बट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि नहीं 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 व्लाडो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जवाना ने उस टाइम पर जितनी भी ज्वेलरी डाली हुई थी, वो गले में सोने की चैन और हाथों में अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, वो सारी की सारी अंगूठी उसके हाथों में ही मौजूद थी, उसके गले में चैन भी मौजूद थी। मतलब ये साफ था कि जवाना की मौत कोई हादसा नहीं है, कोई रॉबरी गॉन रॉन्ग नहीं है। जो भी इसे मारना चाह रहा था उसका क्लियर इंटेंशन था जवाना को मारने का। बट जैसी ये चीज व्लाडो ने सुनी व्लाडो ने कहा कि जनाब आप खुद सोच कर देखिए, एक महिला जो आसपास के घरों में साफ सफाई करके अपनी जिंदगी चला रही हो, उसके पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा उसके घर में मौजूद नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई क्यों ही उसके साथ अपनी दुश्मनी निकालेगा, वो बिल्कुल शरीफ सी महिला। जैसी ये चीज पुलिस वाले ने सुनी उसको भी थोड़ा अजीब तो लगा कि हाँ ये चीज अजीब तो है, क्यों कोई शरीफ सी महिला को इस तरीके से मौत के घाट उतारेगा। खैर इन दोनों के बीच में बातें होते ही दोनों ने फोन कट कर दिया। अब दूसरी तरफ पुलिस वाला तो अपने काम धंधे में लग चुका था और इस तरफ रिपोर्टर व्लाडो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसको हैरानी नहीं थी कि जवाना का मर्डर हो गया है, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस था इस बात को लेकर कि आखिर जवाना का मर्डर क्यों हुआ, कोई क्यों ही अपनी दुश्मनी जवाना से निकालेगा। अब इस पॉइंट पर आकर व्लाडो को लगने लगा कि हो सकता है दिखने में जवाना जो हमको सिंपल सी एक औरत दिखाई देती है, घरों में काम करके अपनी जिंदगी चला रही है, हो सकता है जवाना की कोई दूसरी जिंदगी भी रही हो जिसका कोई पास्ट रहा हो बहुत पुराना, और उसी पास्ट की वजह से किसी ने आकर जवाना से अब अपना बदला लिया हो और उसकी हत्या कर दी हो। या फिर यह भी हो सकता है कि उस रात जब वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी और रात तक होते होते वो अपने बेटे को ढूंढते हो सकता है किसी ऐसी जगह पर चली गई हो, या फिर कोई चीज उसने ऐसी देख ली हो जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, उसकी आंखों में नहीं आनी चाहिए थी, या फिर कोई चाहता था कि जवाना इस चीज को ना देखे और इसी के बदले उसने जवाना का मर्डर कर दिया। अब कुछ भी हुआ हो, अब यहां जवाना का मर्डर हुआ था और बहुत सारे सवाल अब ना सिर्फ पुलिस वालों पर थे बल्कि बहुत सारे सवाल लोगों के माइंड में भी थे। अब असल में व्लाडो अपने पूरे शहर का सबसे जाना माना रिपोर्टर था और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जिस टाइप की रिपोर्टिंग करता था, जिस टाइप के स्टिंग ऑपरेशंस इसने अपने 30 साल के करियर में किए थे, वैसी रिपोर्टिंग आज तक किसी ने भी नहीं की, इसीलिए सभी लोग पूरे शहर के लोग इसे बहुत बड़ा रिपोर्टर मान रहे थे अपने इलाके का, और सभी कोई भी खबर होती सीधा व्लाडो को बताते कि हाँ ये चीज़ हुआ है, और व्लाडो अपना पूरा पावर इस्तेमाल करके अपना पूरा दिमाग लगाकर उसकी तह तक जाता, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, चाहे वो कोई सरकारी ऑफिसर के खिलाफ हो, चाहे
वो कोई पुलिस के खिलाफ हो, हर तरीके से कोई भी रिपोर्ट होती वो उसकी तह तक जाता, उसकी सच्चाई निकाल कर लोगों को दिखाता। इसीलिए सभी ने सबसे पहले व्लाडो को ही बताना जरूरी समझा कि ऐसे ऐसे कांड हो गया है जवाना के साथ, बट दूसरी तरफ व्लाडो को भी अपने 30 साल के करियर में इतने इतने भयंकर उसने रिपोर्टिंग करी है, ऑब्वियसली उसको भी बहुत बार जान से मारने की धमकी भी मिली, उसको भी अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। अब जैसे ही उसको इस केस के बारे में पता लगा, उसको भी लगने लगा कि हो सकता है अगर वो इस केस के अंदर तह तक जाए तो जिसने भी जवाना के साथ ये सब कुछ किया है वो सब काम वो उसके साथ भी ना कर दे, उसकी भी जान कहीं खतरे में ना आ जाए। उसको अच्छे से अंदाजा था कि अगर वो इस केस की तह तक जाएगा तो उसकी जान पर बन सकती है, बट उसने सभी चीजों को साइड में रखा। उसने कहा कि नहीं, मुझे इस केस की तह तक जाना है और मैं इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करके रहूंगा। व्लाडो ने तुरंत अपने वो नोट पैड और पेन उठाए और सीधा अपने वहां ऑफिस से बाहर निकलते हुए सीधा इस जवाना के घर पर आया, उसका दरवाजा खटखटाया। अब जवाना के घर पर जवाना तो नहीं लेकिन उसका बेटा जोरोन अंदर ही मौजूद था। उसने दरवाजा खोला, सामने व्लाडो को देखकर उसने घर में अंदर एंटर करवाया और दोनों अब बीच में ड्रॉइंग हॉल के अंदर बैठ चुके थे। और बैठते ही व्लाडो ने जोरोन से सवाल करने शुरू कर दिए कि उस पूरे दिन में क्या हुआ था, आप मुझे डिटेल में बताइए, मुझे लिखना है और मुझे इस केस की तह तक जाना है। जोरोन ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ था और शाम को मेरा और मेरी माँ का मिलने का प्लान था, हम दोनों साथ में ही खाना खाने वाले थे, बट जैसे ही मैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते घर पर आया, घर पर इस तरीके का हाल मौजूद था, घर के दरवाजे खुले थे और किचन में भी आधा खाना बना हुआ रखा हुआ था, बट जैसे ही चीज़ मैंने देखी मैं अपने घर से बाहर निकला, अपनी माँ को ढूंढने के लिए पड़ोसियों के पास गया। पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें ढूंढने के लिए एक्सीडेंट स्पॉट पर गई है और वहां से उसके बाद हॉस्पिटल गई होगी। अब ये चीज मैंने भी कंफर्म करी, मैं खुद उस एक्सीडेंट के बारे में देखने के लिए गया बट मुझे तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं मिला। मैंने आसपास के हॉस्पिटल्स में भी देखा बट मेरी माँ कोई हॉस्पिटल में नहीं गई और ना ही किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई एक्सीडेंट का मरीज उस दिन भर्ती हुआ। जैसे जैसे जोरो ने सब कुछ बता रहा था, व्लाडो सामने बैठा अपने नोटपैड के ऊपर सब कुछ लिखने लगा कि उस दिन पूरा दिन डिटेल के अंदर क्या हुआ। और ये सब कुछ लिखने के बाद उसके बाद भी व्लाडो ने काफी सारे सवाल जोरो से पूछे और अपने सभी सवालों का जवाब मिलते ही व्लाडो को लगने लगा कि हाँ, अब इसे केस की स्टार्टिंग तो मिल चुकी है, अब उसे इस केस को अच्छे तरीके से आगे फॉलो अप करना है बस। वहां से निकलकर व्लाडो ने आसपास के और भी लोगों से बहुत सारे इंटरव्यूज कलेक्ट किए और उन इंटरव्यूज के बाद ही तकरीबन 3 दिनों तक टाइम लिया व्लाडो ने और उस सारी स्टोरी को मिलाकर उसने अपनी एक थ्योरी बनाई और अपने ही अखबार के अंदर फ्रंट पेज पर बहुत बड़ी हेडलाइंस के अंदर उसने 19 मई 2008 के दिन सुबह सुबह खबर छाप दी और उस खबर की हेडलाइन थी ए सीरियल किलर ऑन द लूज इन कसेवो। जैसी ये खबर उस शहर वालों ने पढ़ी, उस अखबार के अंदर पुलिस वालों ने पढ़ी, सभी के कान खड़े हो गए, सभी के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई कि ये आखिर व्लाडो ने क्या छाप दिया। व्लाडो का कहना ये है कि हमारे शहर के अंदर कोई सीरियल किलर है जो खुला घूम रहा है और उसने ना सिर्फ कसैवो में रहते हुए जवाना का मर्डर किया है बल्कि उससे भी पहले काफी सारे मर्डर्स वो कर चुका है इसी शहर के अंदर। जी हाँ, उसने अपने न्यूज में लिखा कि तकरीबन 2-3 सालों पहले भी हमारे इसी शहर के अंदर ऐसा ही एक गरीब महिला का मर्डर हुआ था, सेम तरीका था, बिल्कुल सेम उसमें प्लान किया गया था, उसी तरीके से उस महिला को मारा गया था और उससे पहले भी एक और महिला को जो बिल्कुल गरीब थी, इसी तरीके से एक छोटा मोटा काम धंधा करके अपना घर बार चला रही थी, उसी तरीके से उस महिला का भी मर्डर हुआ था और अब इतने टाइम बाद जवाना का यहां पर मर्डर हुआ है। ऑब्वियसली ये कोई काम कोई नॉर्मल किलर का नहीं है और यहां पर कोई लूटमारी भी नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये कोई रॉबरी गॉन रॉन्ग भी नहीं है, ये कोई सीरियल किलर ही है जो खुला घूम रहा है कसैवो शहर के अंदर। ये दोनों महिलाएं जिसमें सबसे पहले मित्रा नाम की एक महिला का मर्डर हुआ जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल की थी, उसका मर्डर इसी शहर के अंदर 2005 में हुआ था और 2007 में लुबिस्का नाम की इस महिला का मर्डर हुआ जिसकी उम्र उस टाइम पर तकरीबन 56 साल की थी। अब ऑब्वियसली व्लाडो ने जो खबर इस अखबार के अंदर छापी थी वो बहुत बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी पूरे शहर के लिए, क्योंकि सब अब डरे हुए थे, सभी को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। इसके अलावा इस खबर के अंदर व्लाडो ने पुलिस वालों को भी बहुत गंदी तरीके से लपेटा। उसने कहा कि सन 2005 में सन 2007 में जो दोनों मर्डर हुए थे उसमें से एक के अंदर आरोपियों को जेल के अंदर डाल दिया गया था, जिसका मतलब साफ यह है कि जिस भी आरोपी को पकड़कर जेल के अंदर डाला गया है वो असली आरोपी नहीं है, उसने उन महिलाओं का मर्डर नहीं किया होगा। अब जिसने भी किया है वो तो बाहर ही है, उसने तो अभी जवाना का मर्डर किया है, ऑब्वियसली जिसको भी अंदर पकड़कर डाला गया है वो इनोसेंट है। पुलिस वालों ने भी जब अखबार को पकड़कर उस खबर को पढ़ा तो उनको भी लगने लगा कि हाँ, ये जो हमने किया हुआ है पहले, ये जो पहले हमने रायता फैलाया हुआ है, इसके अंदर हमारी कोई गलती हुई है और ये कोई
नॉर्मल किलर नहीं, एक सीरियल किलर है जो अभी भी खुला घूम रहा है इसी शहर के अंदर और हमें जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना चाहिए। उस खबर को पढ़कर पुलिस वालों को भी इस केस से रिलेटेड नई नई खबरें पता चली, नए नए क्लूज पता चले, क्यों? क्योंकि व्लाडो ने अलग अलग लोगों से बहुत सारे इंटरव्यूज लेकर बहुत सारी खबर कलेक्ट करके उसमें एक थ्योरी बनाई थी और तभी वो सीरियल किलर वाली बात सामने आई थी और उस थ्योरी के हिसाब से पुलिस वालों को आगे काम भी करना था। बट यहाँ मौजूद पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी मेहनत को थोड़ा कम कर दें, और अपनी मेहनत को कम करने का तरीका एक ही है, व्लाडो को फॉलो करना। ऑब्वियसली उनको पता था कि व्लाडो अगर किसी केस में घुस गया है तो वो उस केस की पूरी तह तक जाएगा, उसका रिजल्ट निकाल कर बाहर लेकर आएगा, तो हम क्यों ना हम सिर्फ व्लाडो को ही फॉलो करें, व्लाडो को देखते हैं कि क्या कर रहा है, जो ये कर रहा है वही हम करते रहेंगे, एंड में जाकर क्रेडिट हम ले लेंगे कि हाँ भाई हमने किया है, और बस व्लाडो की बात ही खत्म और ये केस भी यहीं सुलझ जाएगा। तो इन्हीं पुलिस वालों ने व्लाडो को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये चीज व्लाडो ने देखी कि वो जहां भी जाता है इस केस की रिलेटेड पूछताछ करने के लिए किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो दूर खड़ा एक पुलिस वाला या फिर दो पुलिस वाले या फिर पुलिस वालों की गाड़ी उसे देखती रहती है, और ये चीज ऑब्वियसली व्लाडो को अजीब भी लगी। लेकिन यहां व्लाडो को लग रहा था कि अगर उसे इस केस की तह तक जाना है तो ये सारे काम करने होंगे, बेशक उसे कोई भी फॉलो करता रहे उसे इससे मतलब नहीं है, उसे जस्ट इस केस को सॉल्व करना है। पुलिस वाले भी अब बहुत गहनता से इस केस के पीछे पड़ चुके थे, अब ना सिर्फ वो व्लाडो को फॉलो कर रहे थे बल्कि अपने भी साथ में थ्योरीज बना बनाकर अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे थे इस केस का पता लगाने के लिए कि आखिर वो सीरियल किलर है कौन जिसने पूरे तीनों कांड बिठाए हैं। बट तकरीबन 1 जून के आसपास का टाइम आ चुका था। 1 जून तक पुलिस वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया सभी शहर वालों को कि हमने तकरीबन 100 सस्पेक्ट्स के बारे में जाना, उनके बारे में पूछताछ करी, उनकी लोकेशन चेक करी कि उस दिन वो कहां पर थे जिस दिन जवाना के साथ उसका मर्डर हुआ था, लेकिन उन सभी सस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए हम सिर्फ 3 लोगों तक पहुंचे हैं, और इन 3 लोगों में से ही हमें लग रहा है कि कोई ना कोई सीरियल किलर है, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी हम तुरंत आप लोगों के सामने आएंगे वापस इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और हम बताएंगे उस सीरियल किलर का नाम भी जब हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इसके बाद भी तकरीबन 20 दिनों का टाइम बीत चुका था। जी हाँ, 20 जून 2008 के दिन दोपहर के टाइम पर व्लाडो जिस प्रेस में काम कर रहा था, जिस अखबार के लिए काम कर रहा था, उसी प्रेस में बैठे हुए एक एडिटर के पास पुलिस वालों का फोन आया, और जैसे उस एडिटर ने फोन उठाया सामने से पुलिस वाले ने कहा कि एडिटर साहब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हम एक सीरियल किलर को अरेस्ट करने वाले हैं, इसी केस से रिलेटेड सीरियल किलर को अरेस्ट करेंगे आज, अब तो आप उसकी खबर को बहुत अच्छे से अपने अखबार में छाप दीजिएगा। और जैसे ये चीज उस एडिटर ने सुनी, उस एडिटर ने कहा कि जनाब रुके, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं तो जस्ट खबर लिखने का काम करता हूँ, खबर निकाल कर लेकर आना, उसको जांचना परखना ये सारा काम मेरा नहीं है, आप ये चीज व्लाडो को बताइए या फिर किसी और रिपोर्टर को बताइए ताकि वो टाइम से पहले ही आपके पास पहुंच जाए। बट उस पुलिस वाले ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारा काम था आप लोगों को बताना, अब जो भी करना है आप लोग खुद करिएगा। उसने बोलकर ये फोन कट कर दिया, एडिटर ने भी फोन रखा और तुरंत ही एडिटर ने व्लाडो को फोन करना शुरू कर दिया। वो बार बार व्लाडो को फोन कर रहा था लेकिन व्लाडो ने फोन उठाया ही नहीं। उसने दोबारा व्लाडो को फोन किया लेकिन व्लाडो ने फिर भी फोन नहीं उठाया। ये बहुत अजीब था उस एडिटर के लिए, क्यों? क्योंकि एडिटर का फोन व्लाडो हमेशा उठाया करता था, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, एडिटर का फोन वो हमेशा उठाएगा। बट अब की बार व्लाडो ने फोन नहीं उठाया, एडिटर को बहुत अजीब लगा, और यहां एडिटर बस सोचने लगा अपने माइंड में कि हो सकता है व्लाडो कुछ काम कर रहा हो या फिर उसे पहले ही पता लग गया हो कि आज पुलिस इस केस के अंदर कोई अरेस्ट करने वाली है, और पहले से ही वो अपना कैमरा वगैरह लेकर, कैमरा पर्सन को लेकर, अपना माइक वगैरह लेकर, अपना नोटपैड लेकर पहुंच गया हो उसी जगह पर जहां से वो अरेस्टिंग होगी और वो उसी काम में बिजी होगा, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। पर दूसरी तरफ उस एडिटर के माइंड में ये भी चल रहा था कि इस पुलिस वाले ने मुझे कॉल क्यों किया, किसी और रिपोर्टर को क्यों नहीं किया, और भी तो बहुत सारे ऑफिसर हमारे कंपनी में काम करते हैं, सिर्फ मुझे ही फोन क्यों आया, मैं तो छोटा मोटा एडिटर हूं, लिखने का काम करता हूं स्टोरीज को, बट उसने मुझे फोन क्यों किया। खैर, वो बार बार अपने फोन से लेकर व्लाडो को फोन कर रहा था कि काश एक बार बस व्लाडो फोन उठा ले, वो तुरंत इस न्यूज को व्लाडो तक पहुंचा दे, और व्लाडो टाइम रहते अगर उसे ना पता हो तो उस स्पॉट पर पहुंच जाए जहां से वो अरेस्टिंग होगी, अगर आज अरेस्टिंग हो जाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खबर होगी। खैर, दोपहर बाद शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास इसी कसैबो शहर के सबसे बिजी चौराहे पर बने हुए इस घर के बाहर बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियां चाऊ 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 करते हुए इस चौराहे पर पहुंची और इस घर को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया, और सारे पुलिस वाले
अपने अपनी गाड़ी से उतर कर अपने हाथों में वो बड़े बड़े माइक भोपू लेकर उस भोपू के अंदर वो बोल रहे थे बार बार कि इस घर के अंदर जो भी व्यक्ति है वो तुरंत ही बाहर आ जाए, हम पुलिस वालों ने इस घर को चारों तरफ से घेर रखा है। अब जैसे ये बात पुलिस वाले अपने उस भोपू के अंदर बोल रहे थे, आसपास के लोग भी अब उसी घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आसपास के लोग बहुत बहुत ज्यादा हैरान थे कि पुलिस वाले इस घर के बाहर क्यों आकर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस वाले बार बार उसी भोपू के अंदर अपने अनाउंसमेंट कर रहे थे और कुछ मिनटों तक अनाउंसमेंट करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने अनाउंसमेंट रोकी और देखने लगे कि आखिर वो सामने से कोई आ रहा है नहीं आ रहा। सभी पुलिस वालों ने कान लगाकर उस घर के बाहर आवाज सुनने की कोशिश करी और फाइनली उनको वो चलने की सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। सभी पुलिस वाले अपनी गन्स को लेकर उस मेन दरवाजे के ऊपर पॉइंट करके खड़े थे और तभी सामने से वो दरवाजा खुला। सामने उस दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ बिल्कुल खाली, उसने अपने घर की लोअर टी शर्ट डाली हुई थी और उससे कुछ भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था पुलिस वालों को। सभी पुलिस वालों ने अपनी गन्स को वापस अंदर रखा और जस्ट बहुत शांति से उस आदमी के हाथों में हथकड़ी लगाकर पुलिस वालों की एक गाड़ी में अंदर बैठाया और सभी गाड़ियां वापस चाऊ चाऊ करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही गाड़ियां पुलिस स्टेशन पहुंची उसी पुलिस ऑफिसर ने दोबारा से फोन किया उसी एडिटर को कि एडिटर साहब हमने गिरफ्तारी कर ली है। और जैसे ही एडिटर ने पूछा कि जनाब आपने गिरफ्तारी कर ली है, क्या हमारा रिपोर्टर वहां पर मौजूद था या नहीं, क्योंकि हमें फोटोज लेनी थी अपने पेज के लिए हेडलाइंस बनानी थी। बट सबसे पहले उस एडिटर ने कहा कि जनाब आप बताइए वो सीरियल किलर आखिर है कौन जिसकी आपने गिरफ्तारी की है। और जैसे ही पुलिस वालों ने सीरियल किलर का नाम उस एडिटर को बताया, एडिटर इतना ज्यादा हैरान, उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया और जस्ट वो भी लिटरली बहुत बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। जी हाँ, पुलिस वालों ने किसी और को नहीं बल्कि रिपोर्टर व्लाडो को ही गिरफ्तार किया था। जी हाँ, बेशक आपको भी सुनकर बहुत बहुत बड़ा झटका लगा होगा, बट पुलिस वालों ने व्लाडो की असल सच्चाई उसकी जिंदगी से बाहर निकाल ली थी। अभी तक तो व्लाडो लोगों की जिंदगी की सच्चाई बाहर निकालता हुआ आया था, बट अब पुलिस वालों ने उसके पास खंगाल कर उसकी सच्चाई को बाहर निकाला और ये पता लगा कि बेशक व्लाडो अपने काम के अंदर कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, उसने कितने ही बड़े बड़े काम क्यों ना किए हों, बट उसके मन में एक गुस्सा बचपने से भरा हुआ है। जी हाँ, बहुत छोटेपन से ही उसके मन में गुस्सा भरा हुआ है और वो गुस्सा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही माँ के खिलाफ था। वो अपनी माँ को किसी शैतान से कम नहीं मानता था। असल में व्लाडो जब पैदा हुआ था उसके कुछ टाइम बाद से ही व्लाडो की माँ ने व्लाडो के ऊपर बहुत बहुत भयंकर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, काफी दिनों तक खाना पीना ना देना, अंधेरे कमरे के अंदर बंद करके रखना, उसको जस्ट टॉर्चर करना, किसी भी तरीके से उसको दर्द पहुंचाना। क्यों? क्योंकि व्लाडो की माँ को दर्द में देखना अपने ही बच्चों को बहुत बहुत सुकून देता था। जैसे ये चीज बड़े होते होते व्लाडो को फील होने लगी, व्लाडो के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था अपनी माँ को लेकर, और जब 2002 के अंदर फाइनली उसकी माँ की मौत हुई उसके बाद से व्लाडो के मन में एक ख्याल आने लगे कि क्यों ना अब फाइनली ये टाइम आ चुका है कि बदला लिया जाए अपनी ही मरी हुई माँ के साथ। और उसने इस बदले लेने के तरीके को भी बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर रखा। जी हाँ, व्लाडो की माँ भी कुछ और नहीं बल्कि घरों में साफ सफाई करने का ही काम कर रही थी। उसने भी व्लाडो को इसी तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया और इसी वजह से व्लाडो के मन में गुस्सा था इस तरीके की महिलाओं को लेकर जो दिखने में उसके माँ के जैसी हों और वो भी घरों में साफ सफाई करके अपनी जिंदगी का भरण पोषण कर रही हो। ये तीनों विक्टिम 2005 में मित्रा, 2007 में लुबिका और 2008 में जिवाना, ये तीनों ही महिलाएं इसी शहर में रहते हुए व्लाडो की माँ को बहुत अच्छे से जानती थी। अब आप भी समझ सकते हैं, ये जो भी मेड्स वगैरह होती है इनका खुद का भी यूनियन होता है, ये सभी एक दूसरे को जानती है और ऐसे ही वहां भी इनका यूनियन था। ये चारों महिलाएं आपस में एक दूसरे को जानती थी और जानने और इसी जान पहचान की वजह से व्लाडो भी इन तीनों महिलाओं को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसकी माँ के घर उनका आना जाना काफी ज्यादा था। इन तीनों महिलाओं को भी व्लाडो के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था और व्लाडो को भी इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था कि हाँ, अगर ये इनको कहीं भी बुलाएगा, कहीं भी कुछ भी खबर देगा, ये तीनों उसको सच मानेंगी, उसके पास मिलने भी आ जाएंगी। और इसी बात का फायदा व्लाडो ने उठाया। सन 2005 में सबसे पहले ऐसी एक झूठी खबर देकर उसने मित्रा को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर अपनी गाड़ी में डालकर वो शहर से बाहर लेकर गया। वहीं जाकर वो सबसे पहले उन्हीं महिलाओं के ऊपर पीछे से चाकू से वार करता और उसके बाद उनके सिर के ऊपर किसी भारी चीज से वार करके उनका गला किसी तार से वहीं पर घोट देता। असल में व्लाडो ही था जिसने 7 मई 2008 की शाम को वो खबर टीवी के अंदर चलवाई थी। असल में उसने जस्ट अपने एक पार्टनर टीवी चैनल को ये कॉल करके बोल दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और जल्दी ही उसके एक्सीडेंट के मरीज इस हॉस्पिटल के अंदर आएंगे। और जब ये खबर टीवी के ऊपर चली, अब क्योंकि वो पार्टनर चैनल व्लाडो के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इतना बड़ा न्यूज रिपोर्टर झूठ तो बोलेगा नहीं, अब उसी बात का फायदा उठाते हुए व्लाडो ने अपनी एक दोस्त के पास भी फोन किया कि जोरोन जो कि जवाना का बेटा है वो भी इस एक्सीडेंट के अंदर शामिल है। और उसे पता था कि जैसे ये बात उसकी फ्रेंड वो सुनेगी, वो तुरंत जोरोन की माँ जवाना के पास कॉल करेगी ये बताने के लिए कि
तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ है, और ज़वाना तुरंत भागते हुए अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाएगी जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, और इसी बात का फायदा व्लाडो उठाएगा, ज़वाना को पकड़ेगा और उसके साथ कांड बैठा देगा। और ये सारी चीजें पुलिस वालों को उसी खबर से पता लगी जो खबर व्लाडो ने खुद अपने ही अखबार के अंदर छापी थी हेडलाइन बनाकर। जी हाँ, उसने बहुत सारी चीजें झूठ लिखी हुई थी उस खबर के अंदर। जैसे कि उसने सबसे पहले लिखा हुआ था कि उसकी पूछताछ में उसे पता चला कि ज़वाना को दो आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर दूर जाते हुए देखा था लोगों ने, बट जब पुलिस वालों ने आसपास के किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करी तो ये खबर बिल्कुल झूठी निकली। किसी ने भी ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि ज़वाना किन्हीं दो आदमियों के साथ किसी गाड़ी में बैठकर दूर जा रही हो। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट था पुलिस वालों को, जो उससे विश्वास हो गया कि हाँ ये सारा काम हो ना हो व्लाडो द्वारा हो रहा है या फिर व्लाडो खुद कर रहा है, या फिर व्लाडो को इस सारे कांड की इनसाइड स्टोरी पता है, और वो खबर ये कि व्लाडो ने अपनी इस पूरे आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ था कि ये सीरियल किलर जो भी है, ये इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, तीनों महिलाओं को लास्ट में गला दबाकर मारता है और वो गला घोटने के लिए किसी टेलीफोन तार का इस्तेमाल करता है, और ना सिर्फ टेलीफोन तार का इस्तेमाल करता है बल्कि उसी तार से गला घोटने के बाद वो क्राइम सीन के ऊपर ही सीरियल किलर उस तार को गले से लपेट कर ही छोड़ जाता है। जैसी ही चीज पुलिस वालों ने उस अखबार के अंदर पढ़ी, पुलिस वालों के माइंड में आया कि हमने ना इस केस में, ना ही 2007 वाले केस में, ना ही सन 2005 वाले केस में किसी भी मीडिया एजेंसी को आज तक ये बताया ही नहीं कि आखिर विक्टिम्स का गला किस चीज़ से घोटा जा रहा है। अगर हमने किसी को नहीं बताया तो इस बाऊजी को आखिर कैसे पता कि आखिर वो जो सीरियल किलर है वो इन तीनों महिलाओं का गला किसी टेलीफोन तार से दबा कर आया है। हो ना हो इस फ्लाडो को अंदरूनी जानकारी है और ये जस्ट हमें घुमा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा शक होने लगा था फ्लाडो के ऊपर ही, और जब फ्लाडो के पीछे पुलिस लगी हुई थी, जी हाँ, जब जहां भी व्लाडो जाता पुलिस वालों का कोई ना कोई ऑफिसर उसके पीछे पीछे रहता उसकी देखरेख करने के लिए कि आखिर व्लाडो क्या कर रहा है। असल में पुलिस वाले उसकी खबर को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि यहां तो पुलिस वाले किसी भी तरीके से व्लाडो का डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जी हां, ज़वाना की जब लाश मिली थी पुलिस वालों को, उसके शरीर के ऊपर से उसके नाखूनों से पुलिस वालों को एक डीएनए सैंपल मिला था, और इस डीएनए सैंपल को अपने सस्पेक्ट से मैच करने के लिए पुलिस वालों को किसी भी तरीके से व्लाडो का डीएनए सैंपल चाहिए था। पुलिस वालों ने उसका बहुत बहुत तगड़ा पीछा किया, और जब फाइनली पुलिस वालों को एक पानी के गिलास से डीएनए सैंपल मिला व्लाडो का, पुलिस वालों ने उस डीएनए सैंपल को मैच किया और ये एक परफेक्ट मैच था, जिसका मतलब अब साफ था कि व्लाडो ही इन तीनों सीरियल किलिंग्स के पीछे था। बट अभी तक आते आते आपको लग रहा होगा कि स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी इस केस के अंदर सबसे मेन ट्विस्ट आना बाकी था। जी हाँ, जैसे ही पुलिस वालों ने इस व्लाडो को अरेस्ट किया, पुलिस वालों को लगने लगा कि हो ना हो इसने जो तीन नहीं बल्कि उससे पहले भी काफी सारे मर्डर्स किए होंगे जो अभी तक पुलिस वालों की नजरों में नहीं चढ़े, या फिर उन विक्टिम्स की लाशें ही पुलिस वालों को अभी तक नहीं मिली। पुलिस वालों ने उसे कोर्ट में पेश किया, उसके ऊपर दो मर्डर तो साबित हो चुके थे, तीसरा मर्डर पुलिस वाले उसके ऊपर साबित करने की तैयारी में थे, बट 23 जून 2008 के दिन, जी हां, तीन ही दिन हुए थे अभी तक व्लाडो को गिरफ्तार किए, उसकी जेल सेल के अंदर उसके साथ तीन और कैदी भी मौजूद थे। सोच कर देखिए आप, एक छोटी सी जेल सेल और उसके अंदर चार कैदी मौजूद हैं और उसका एक छोटा सा बाथरूम है। 23 जून 2008 की दोपहर को इसी जेल सेल के बाथरूम के अंदर व्लाडो इस छोटी सी पानी की बाल्टी के अंदर मरा हुआ मिला। जी हाँ, उसका मुंह इस बाल्टी के अंदर मौजूद था और उसकी लाश पूरी की पूरी बाहर थी, सिर्फ मुंह उस बाल्टी के अंदर था। जैसे ही पुलिस वालों ने इसे देखा, पुलिस वाले भी हैरान कि इस छोटी सी बाल्टी के अंदर, इस छोटे से टब के अंदर आखिर कोई व्यक्ति कैसे सुसाइड कर सकता है, और वो भी डूब कर। जी हाँ, लिटरली डूब कर, ऐसा कैसे पॉसिबल था। बट उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया और डॉक्टर्स ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इसे एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया। आखिर एक छोटी सी टब के अंदर कैसे मर गया? मुझे तो यहाँ लगता है कि हो सकता है अगर और भी पूछताछ की जाती इस व्लाडो के साथ तो और भी काफ़ी सारे केसेस क्लोज हो जाते जो पिछले टाइम से, बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है, जो आज तक भी अनसॉल्व्ड हैं। व्लाडो की मौत से उन सभी केसेस के बारे में हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको ये दिल दहला देने वाली बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड स्टोरी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझे जरूर दें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं इस स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज, वो अरेस्टिंग वगैरह की सारी फुटेज मैं उसी ग्रुप के अंदर डालने वाला हूँ, तो आपके हाथ से वो फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट पैमा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।